मैट्रिक्स एलजेब्रा और मैट्रिक्स के कुछ फंडामेंटल्स हैं, उसके बारे में बात करेंगे आज। मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, जब हम कंप्यूटेशन करेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेंगे। तो मैट्रिक्स है क्या? इसको अगर हम प्लूरल में बोलें, एक से ज्यादा मैट्रिक्स को बोलेंगे तो उसको मैट्रिसेस बोलेंगे। और ये कुछ नहीं है, नंबर्स आपने लिखे, जैसे मैंने लिख दिया 23, 56, 92, और केवल इसके साथ एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया या राउंड ब्रैकेट लगा दिया। तो ये जो लिस्ट है, या ये कहें एरे इन नंबर्स का या वैल्यूज का, इसी को हम मैट्रिक्स कहते हैं। या आप कहें कि मैट्रिक्स कुछ नहीं है, एक टेबल है नंबर्स का, ये आप कह सकते हैं। तो मैट्रिक्स आप नंबरों को किस तरीके से रोज और कॉलम में, क्योंकि जब आप टेबल के बारे में बात करते हैं तो इसमें ये रोज होती हैं, जो ये आप देख रहे हैं ये रोज हैं, 1, 2, 3, 4। और ये आप जो देख रहे हैं इसको हम कहते हैं कॉलम, 1, 2, 3, ये कॉलम हो गई। और हर एक रो और कॉलम के इंटरसेक्शन पे एक नंबर रखा होता है और उसी को हम मैट्रिक्स कहते हैं। तो फिर से बताता हूं मैं कि मैट्रिक्स एक कलेक्शन है एलिमेंट्स का। एलिमेंट नंबर हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि नंबर हो, ये और भी चीजें हो सकती हैं। इन नंबर्स में कोई भी तरीके के नंबर हो सकते हैं, लेकिन जरूरी है कि ये रोज, ये आपका रो हो गया, और ये कॉलम इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, इसमें रखे होंगे। लीनियर इक्वेशन जब हम देखेंगे वो भी एक कॉम्बिनेशन बनेगा इसमें। और जो ये स्क्वायर ब्रैकेट है, कई बार आप देखेंगे कि एक स्क्वायर ब्रैकेट हो सकते हैं, ये राउंड ब्रैकेट हो सकते हैं, बल्कि कई बार इस तरीके से भी मैट्रिक्स को लिखा जाता है। जैसे मैंने अब लिखा 2, 3, 5, 6, ये चार एलिमेंट हो गए, दो इसमें रोज हो गई, दो इसमें कॉलम हो गए। तो इस तरीके से भी लाइन बना के इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। मैट्रिक्स यूज क्यों करते हैं, क्यों जरूरी है मैट्रिक्स को पढ़ना? वो इसलिए कि जो आप ये एक विजुअल देख रहे हैं, इसके पीछे मैट्रिक्स है, इसके पीछे किस तरीके से हम पॉइंट्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं, चाहे वो आपका स्क्रीन मॉडल हो, चाहे वो आपका 3D मॉडल हो, कैसे ग्राफिक्स चलता है, बहुत सारे कंप्यूटेशन हम मैट्रिक्स फॉर्म में करते हैं। तो इसीलिए मैट्रिक्स पढ़ना जरूरी हो जाता है। मैट्रिक्स के डिमेंशन क्या होते हैं? अगर मैं आपके सामने एक मैट्रिक्स रखूं इस तरीके का, 1, 4, 3, 0, -7, 5, और मैं आपसे कहूं कि इसका डिमेंशन बताइए, डायमेंशन क्या होगा, तो इसका डायमेंशन होगा इसका साइज। लेकिन क्योंकि मैट्रिक्स एक टेबल फॉर्म होता है जिसमें आपकी रोज होंगी, जैसे ये दो रोज है और ये तीन कॉलम है, ये पहली रो, दूसरी रो, पहली कॉलम, दूसरी कॉलम, तीसरी कॉलम, तो इसको हम रो और कॉलम के टर्म में इसका साइज बताते हैं। जैसे इसका डायमेंशन क्या है, आपको पहले लिखना है कितने रोज हैं, कितने दिख रहे हैं आप, एक रो, दो रो, तो दो लिखेंगे, और कितने कॉलम्स हैं, 1, 2 और 3, तो 3 कॉलम लिख दीजिए और इसमें क्रॉस कर दीजिए, तो कितना हो गया ये 2 क्रॉस 3, डायमेंशन कितना हो गया 2 क्रॉस 3। अब इस तरीके से ये फॉर्मेशन है। अब इसका एक स्पेशल नेम है, इस तरीके की मैट्रिक्स का स्पेशल नेम है, जिसमें आप देखें 1, 6, -3 है, तो कितनी रोज है इसमें, पहला रो, दूसरा रो, सेकंड थर्ड रो, तो 3 रोज है इसमें। कॉलम्स कितने हैं, हमेशा रो यहां लिखा जाता है, रो इंटू कॉलम, रो यहां लिखा जाएगा, कॉलम यहां लिखा जाएगा, रो कितने हैं 3, और कॉलम कितने हैं 1, तो इसका डायमेंशन क्या होगा 3 क्रॉस 1। ये भी स्पेशल, इसको हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स देख रहे हैं ये भी एक स्पेशल मैट्रिक्स है। और यहां पर आप देखेंगे जब अगर हम इसको ऐसे लिख दें या फिर राउंड ब्रैकेट लगा दें, कुछ भी लगा सकते हैं हम, 160, तो ये 160 नहीं है, 1 अलग मेंबर है, 6 अलग मेंबर है, 0 अलग मेंबर है। तो इसमें रोज कितने हैं, ये रोज है जो सीधे जाते हैं, नंबर ऑफ रोज है 1, कॉलम कितने हैं 1, 2 और 3, 3 कॉलम हो गए, तो 1/3, इसको हम कहते हैं रो मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो होगी। इसको हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स जिसमें केवल एक कॉलम होगा, और इसका जो फॉर्मेशन है, डायमेंशन है, साइज के रिस्पेक्ट में, रो और कॉलम में अगर हम बताएं तो ये हो जाएगा 1 रो और 3 कॉलम, ये डायमेंशन होता है मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स में क्या नोटेशन है, किस तरीके से नाम दिया जाता है, तो हमेशा कैपिटल लेटर से दिया जाता है। पहले मैं आपको बता दूं कि मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के कई तरीके हैं। आप मैट्रिक्स को राउंड ब्रैकेट से भी कर सकते हैं, जैसे मैंने लिखा 1, 2, 5, 6, हम स्क्वायर ब्रैकेट से भी कर सकते हैं, इसी की जगह हम स्क्वायर ब्रैकेट रख सकते हैं, और इसी की जगह हम स्ट्रेट लाइन भी रख सकते हैं, तीनों ही ये प्रचलन में है। तो ये जो मैट्रिक्स है
इसका नाम क्या होगा, ये सिंपल मैट्रिक्स कहा जाएगा। इसमें दो रोज है, इसका डायमेंशन क्या होंगे, इसमें दो रोज है तो टू, तीन कॉलम है एक दो तीन, टू बाय थ्री मैट्रिक्स हो गया, नॉर्मल मैट्रिक्स हो गया। लेकिन यहां पर आप देखेंगे कि इसमें तीन रोज है और एक कॉलम है, तो जब आपका एक कॉलम होगा तो इसको हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें मात्र एक कॉलम है, इसीलिए ये कॉलम वेक्टर होंगे। अब इसको हम मैट्रिक्स और वेक्टर दोनों कह सकते हैं। उसका कारण क्या है कि जब हम मैथमेटिक्स में वेक्टर पढ़ते हैं तो वेक्टर को भी इसी तरीके से लिखा जाता है। वेक्टर क्या होता है, एक ऐसी यूनिट, ऐसा नंबर जिसमें डायमेंशन भी, स्केलर क्या होता है केवल फाइव, और फाइव के ऊपर अगर मैं ये डायरेक्शन लगा दूं तो वो आपका वेक्टर हो जाएगा। यहां पर आप देखेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है इसमें एक रो है और तीन कॉलम है, तो इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे रो वेक्टर, क्योंकि इसका डायमेंशन हो गया वन रो और तीन कॉलम, क्योंकि इसमें केवल एक ही रो है इसलिए इसको रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर कहेंगे। ध्यान रखिएगा, सिंपली अगर सिंपली मैं आपको बताऊं तो मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम होगा वो वेक्टर होगा, सिंपल वेक्टर, ये भी एक वेक्टर होगा, तो कॉलम वेक्टर रो वेक्टर, ये नोटेशन होते हैं, इस तरीके से इसको कहा जाता है। मैट्रिक्स के लिए वेरिएबल क्या यूज करेंगे, अब मान लीजिए आपका मैट्रिक्स M1 है, M2 है, ऐसे तीन चार मैट्रिक्स है, अब आप इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए कोई ना कोई तो वेरिएबल यूज करना होगा, तो इसके लिए हम बोल्ड, मोटा और कैपिटल लेटर यूज करते हैं। जैसे आप देखिए ये मैट्रिक्स है 160, वैसे तो ये कॉलम मैट्रिक्स है लेकिन इसका रिप्रेजेंटेशन ए है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि ए स्क्वायर करना है या ए डॉट ए करना है या ए डिवाइडेड बाय ए करना है, इसका मतलब यह है कि इस पूरे को स्क्वायर करना है, इस पूरे को दो बार मल्टीप्लाई करना है, इस पूरे को एक दूसरे से डिवाइड करना है। तो हमारे जब कंप्यूटेशन आएंगे तो हम इसको कैपिटल में लिखेंगे, जैसे एक पी मैट्रिक्स है इसका स्क्वायर करेंगे, ये आपका टी मैट्रिक्स अलग है, ये पी मैट्रिक्स अलग है, और इसका रिजल्ट एक सी मैट्रिक्स में आ रहा है। तो बस बताना ये था इसमें कि बोल्ड और कैपिटल लेटर्स में चलेगा, उसी तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। स्केलर मल्टीप्लीकेशन मैट्रिक्स के टर्म में क्या होता है, जैसे आपके पास एक नंबर है, सिंपल नंबर मैं आपको देता हूं, ये तीन है, अब आप कहेंगे इसका स्केलर मल्टीप्लीकेशन करना है किसी के से, के इंटू थ्री, अब के कोई भी वैल्यू हो सकती है, जैसे टू, के टू है तो टू इंटू थ्री कितना हो जाएगा आपका सिक्स हो जाएगा, तो इसको हम टू के साथ स्केलर मल्टीप्लीकेशन कहेंगे। तो हुआ क्या, तीन दो गुना बढ़ गया, तीन दो गुना बढ़ गया, इसका मतलब यह है स्केलर का मल्टीप्लीकेशन मैट्रिक्स में या वेक्टर में वो उसके नंबर्स को स्केल कर देता है, बढ़ा देता है। तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन का मतलब मैट्रिक्स में होता है कि अगर एक मैट्रिक्स है जैसे ये ए बी सी डी या वैसे मैट्रिक्स है और इसके सामने हमेशा हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं स्केलर वैल्यू, जो मल्टीप्लीकेशन होने वाली है वो हर एक वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, यानी रिजल्ट आएगा लैम्डा ए लैम्डा बी लैम्डा सी लैम्डा डी लैम्डा ई लैम्डा, यानी हर एक वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझें तो इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, हर एक वैल्यू को तीन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, थ्री इंटू थ्री, थ्री इंटू वन थ्री, फोर थ्री जा ट्वेल्व, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री जीरो जा जीरो, सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन, फाइव थ्री जा फिफ्टीन, आप इसको ऐसे लिखेंगे, क्लियर। अगर मैं आपसे कहूं मैट्रिक्स ए है इसका टू ए करिए, तो टू जो है वो आपका स्केलर है और इसका मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, हर एक का ट्वाइस कर दीजिए, यानी कि जब आप इसका रिजल्ट लिखेंगे तो जो भी वैल्यू है अंदर उसको ट्वाइस कर दीजिए, यानी कि ये आएगा टू क्यू, ये आएगा आपका टू, ये होगा माइनस एट, टू से इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस सिक्स, टू वन जा टू और ये टू वन जा टू, ये रिजल्ट आएगा, स्केलर मल्टीप्लीकेशन ये होगा। इसको भी करके देखेंगे, अब इसमें एडिशन भी है, इसमें आप एडिशन भी समझ जाएंगे, माइनस थ्री इंटू के, इसको लिखिए माइनस थ्री और ये के लिख दीजिए, अब आपको स्केलर मल्टीप्लीकेशन करना है तो ये टू के है, अंदर क्या आएगा टू के इंटू क्या क्या होगा टू के स्क्वायर, ये क्या होगा के इंटू टू के, टू के स्क्वायर। अब क्योंकि मैट्रिक्स का जो एडिशन होता है उसमें सिंपली आप नंबर को ऐड कर देते हैं जो करस्पॉन्डिंग है, तो इसका रिजल्ट आएगा नेगेटिव थ्री प्लस टू के स्क्वायर और इसका आएगा के प्लस टू के स्क्वायर, ये होता है स्केलर मल्टीप्लीकेशन। रो मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस क्या होती हैं, ऐसी मैट्रिक्स जिनमें केवल रो होगी और एक रो हो, कहने का मतलब यहां पर एक मैट्रिक्स है जिसमें नंबर है वन टू थ्री, कितने रो हुए हैं इसमें, इसको हम रो कहते हैं और इसको हम कॉलम कहते हैं, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, कॉलम कितने भी हो सकते हैं
रो केवल एक होगा तो वन बाय एन अगर डिमेंशन है, ये कितने भी हो सकते हैं नंबर, वन बाय एन डिमेंशन है यानी कि केवल एक रो है, जैसे यहां वन बाय थ्री है, ये बेसिकली ये मैट्रिक्स तो वन बाय थ्री है, केवल एक रो है, ऐसी मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिसेस कहते हैं। कॉलम मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस वो मैट्रिसेस होती हैं जिनमें केवल एक कॉलम होगा, रोज कितनी भी हो सकती है, ऐसा टेबल जिसमें केवल एक कॉलम होगा रोज कितनी भी हो सकती हैं। तो अगर मैं आपके सामने ऐसा मैट्रिक्स लिखूं वन टू थ्री और कितने भी हो सकते हैं, अगर तीन ही लिख दें, तो ये जो मैट्रिक्स हुआ इसका अगर डिमेंशन लिखा जाए कितनी रोज है इसमें, एक दो तीन, तीन रोज है, कॉलम्स कितने हैं, एक कॉलम है। तो जब केवल एक ही कॉलम होगा यानी कि ये किस फॉर्म में है, ये एन इंटू वन फॉर्म में है, तो जब आपका केवल एक कॉलम होगा तो उस मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर भी कह सकते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स, अब मैट्रिसेस इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि एक से ज्यादा की बात हो रही है। स्क्वायर मैट्रिसेस का मतलब ये होता है वो मैट्रिक्स जिसका डिमेंशन एन बाय एन हो, के बाय के हो, एम बाय एम हो, यानी कि रोज और कॉलम्स बराबर हो। जैसे मैंने आपके सामने लिखा एक मैट्रिक्स 2, 3, 4, 6, इसमें कितने रोज हैं, एक दो, दो रोज हैं, कॉलम कितने हैं, दो, तो ये दोनों बराबर हैं, यानी कि रो और कॉलम बराबर है, इसीलिए इसको हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स क्योंकि स्क्वायर बना रहा है। यहां देखिए एक एग्जांपल दिया है जिसमें कितने रोज हैं, एक दो तीन, और तीन रोज हो गए, कॉलम्स कितने हैं, एक दो तीन, 3 बाय 3, तो ये क्या हुआ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो 1 बाय 1 मैट्रिक्स, 2 बाय 2, 3 बाय 3, 4 बाय 4, 5 बाय 5, एंड दिस लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन, इसको हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कंप्यूटेशन में जब हम जाएंगे तो देखेंगे कि कई चीजों को स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा तभी उसका कंप्यूटेशन हो सकता है। अब आपको एक मैट्रिक्स में लिखता हूं ये वाला 1, 2, 3, 5, 9, 8, ये क्या है, इसमें कितने रोज हैं, एक दो, कितने कॉलम्स हैं इसमें, कॉलम्स कितने देख रहे हैं आप, यहां पे कॉलम्स है आपके एक दो तीन, मतलब रोज और कॉलम कितने हैं, दो और तीन, यानी कि ये दोनों बराबर नहीं है। जब यहां पर रो और कॉलम बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। अगला है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कंटेंट जीरो है, वो भी मैट्रिक्स किसी भी फॉर्मेशन का हो, है ना। और बेसिकली नल मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए कि हम ये बात करते हैं हमेशा इसके रिस्पेक्ट में, स्क्वायर मैट्रिक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहां क्या हुआ कि आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसमें मैंने कहा 0, 0, 0, 0, टर्म्स इसमें सारे जीरो है, जैसे ये एग्जांपल है 3 बाय 3 मैट्रिक्स का, सारे की सारी वैल्यूज इसमें जीरो है, ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं नल मैट्रिक्स, या एक से ज्यादा हो जैसे इन दोनों को मिला के मैं कहूं तो नल मैट्रिसेस। आइडेंटिटी मैट्रिसेस, आइडेंटिटी क्या होता है, जब आप एक मिरर को देखते हैं या शीशे को देखते हैं तो आप खुद दिखाई देते हैं, आइडेंटिटी का मतलब मैथमेटिक्स में यही होता है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, पहली चीज तो यह है कि कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जब आप बात करेंगे तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जो रो और कॉलम दोनों बराबर होने चाहिए, डायमेंशन आर और सी की एक जैसी होनी चाहिए। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आप ये देखेंगे कि वो मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, जैसे मैं आपसे ये लिखता हूं तो ये डायगनल है, ये डायगनल है, तो डायगनल के सारे मेंबर वन होने चाहिए, ठीक है जी, सारे मेंबर वन और बाकी सारे जीरो। जैसे अगर 3 बाय 3 को लिखना चाहें तो क्या होगा, यहां वन रखिए, यहां वन रखिए, यहां वन रखिए, बाकी जगह सब जगह जीरो कर दीजिए, तो डायगनल में क्या हो गया आपका वन आ गया। तो डायगनल में वन हो बाकी सब जीरो हो, तो इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये 3 बाय 3 बता दिया मैंने आपको, ये 2 बाय 2 हो गया। अगर आपको केवल 1 बाय 1 लिखना है, केवल एक कॉन्टेंट रोज में, तो केवल ये 1 हो जाएगा, 1 बाय 1, इसे कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को समझने का एक और तरीका है कि मैं आपसे अगर सवाल पूछूं कि भाई जिस तरीके से कोई भी नंबर आप ले लीजिए मैथमेटिक्स में और उसको 1 से मल्टीप्लाई करिए, करके देखिए 3.8 इंटू 1 क्या आता है, 2 बाय 3 इंटू 1 क्या आता है, 5 इंटू 1 क्या आता है, हर केस में आपको ये एक्चुअल नंबर ही वापस आ जाएगा,
तो ये तो नॉर्मल वे है, मतलब जैसे हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं वैसा है। क्या मैट्रिक्स में ऐसा कोई नंबर है जो इस वन का काम करे कि भाई जब भी आप मल्टीप्लाई करें मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स को इस नंबर से या इस मैट्रिक्स से तब यही वापिस आ जाए? तो उसी को हम कहते हैं आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे आपको मैं एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं, यहां पर आई और ए है, तब मैं आई और ए और ए और आई को मल्टीप्लाई करूंगा। ये करते हैं पहले, ये आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। हमने मल्टीप्लाई किया ए और आई को, ए क्या है, ए बी सी डी, कोई भी नंबर भी ले सकते हैं आप, है ना, कोई नंबर भी ले सकते हैं। अब इसका रिजल्ट देखिएगा 1001, इसमें क्या होता है, पहले रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब ए इंटू वन, ए इंटू वन प्लस बी इंटू जीरो, फिर इसी रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी यहां क्या आएगा, ए इंटू, देखिए ए इंटू जीरो प्लस बी इंटू वन। अब दूसरी रो को पहले रो से करेंगे, सी इंटू वन प्लस डी इंटू जीरो, यहां क्या आएगा, सी इंटू जीरो प्लस डी इंटू वन, ये क्या बना, जहां जहां जीरो उसको हटा दीजिए, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, क्या बचा, ए, यहां पर आया बी, यहां आपका आया सी, यहां डी। तो आप देख रहे हैं कि इससे मल्टीप्लाई करने पर यही चीज आ गई वापस, तो ये क्या हो गया आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अगर आप आई इंटू ए बी करेंगे, इसको पहले रखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो भी आपका यही वापस आ जाएगा, इसीलिए हम इस आई को कह रहे हैं ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये जो आपने देखा ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, चाहे ए आई करे चाहे आई ए करे, किसी भी ए मैट्रिक्स के लिए इस ए पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, ये वापस अपने आप आ जाएगा। अगर आपको एन बाय एन मैट्रिक्स में जनरलाइज करना हो, तो कोई भी मैट्रिक्स एन बाय मैट्रिक्स होगा जिसमें आपको केवल ये करना है, ये कोई भी हो सकता है, ये 10x10 हो सकता है, 60x60 होता है, 100x100 हो सकता है, बस ये ध्यान रखना है कि जो इसका डायगोनल है वो सारे वन होने चाहिए और बाकी जितने भी मेंबर हैं वो सारे जीरो होने चाहिए। और दूसरी चीज, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये स्क्वायर होना बहुत जरूरी है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। तो ये एन बाय एन मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, और जब भी किसी आइडेंटिटी यानी इससे मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी मैट्रिक्स को, हमेशा यही मैट्रिक्स वापस आ जाए, ये मेन चीज है ना। तो अगर आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है तब क्या होगा, आपके एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है। लेकिन यहीं पर अगर आप कहें कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, तब आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक नहीं दो आएंगे, ध्यान रहेगा। तो यहां पर आप देखिए ये मैट्रिक्स रखा हमने, ये 3x3 है, और 3x3 मैट्रिक्स का आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा, वो होगा सिंपल, आप तीन रो तीन कॉलम बनाइए और डायगोनल में वन रख दीजिए, बाकी सब जीरो हो जाएंगे। इसे मल्टीप्लाई करिए इस रो को इस कॉलम से, जो मेंबर आएगा वही वापस आ जाएगा। इसको इससे करिए, जिसको भी मतलब पहले ये रो को इन तीनों कॉलम से करिए, आपका ये टर्म आएगा और आप देखेंगे यहीं पे कि ये वन टू और थ्री वापस आ जाएगा, यानी कि ये जो एक्स ये वाला जो मैट्रिक्स है वापस आ जाएगा। और इसी को हम कहेंगे कि हमने ए को अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया, ये आई थ्री है क्योंकि तीन तीन रो तीन कॉलम है और ये 3x3 मैट्रिक्स है, तो यहां पर जो आएगा वो ए ही लौट के आ जाएगा। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगनल मैट्रिक्स का मतलब यह है कि इसके जो डायगनल के मेंबर्स होंगे, पहली चीज तो यह है कि यह स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, यानी कि रो और कॉलम बराबर होंगे इसमें, और जितने भी इसके मेंबर होंगे यहां पर ये वाले वो कुछ होंगे, बाकी सारे जीरो होंगे, यानी कि जो डायगनल के अलावा सारे मेंबर होंगे वो जीरो होंगे, डायगनल में कोई भी नंबर हो सकता है, तब इसको हम डायगनल मैट्रिक्स कहेंगे। स्केलर मैट्रिसेस, स्केलर मैट्रिसेस क्या होते हैं, स्केलर मैट्रिसेस का मतलब ये होगा कि जो भी नंबर है डायगोनल में वो सारे सेम होंगे, यानी ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स, मैं 2x2 मैट्रिक्स बना रहा हूं क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, इसमें डायगोनल के एलिमेंट सेम होंगे, बाकी सारे के सारे वो जीरो होंगे, मेन डायगोनल में वो सेम होने चाहिए, इसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे यहां पर देखिए सारे डायगोनल में 2x2 है, बाकी सारे जीरो है। ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि एक मैट्रिक्स में आप एक ट्रायंगल बनाएंगे, अपर या लोअर डायगनल के ऊपर या नीचे, तो ऊपर के सारे नंबर्स होंगे कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, नीचे के जीरो होंगे, या नीचे सारे मेंबर होंगे ऊपर सारे जीरो होंगे। अब इसको मैं बना के दिखाता हूं, एक जितने भी डायगनल के यहां सब चीजें होंगी डायगनल से रिलेटेड, ओके। तो यहां पर अगर एक मैट्रिक्स बनाऊं मैं आपको, जैसे 5, 9, 2,
थ्री, एट और ये फोर, ठीक है जी। ये बनाया मैंने जीरो, जीरो और जीरो, तो ये डायगनल है। इसके ऊपर सारे इस डायगनल, ये जो ट्रायंगल बन रहा है ना, ये अपर ट्रायंगुलर, इसलिए कह रहे हैं इसको, इसको कहेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में सारे नंबर्स हैं और जो लोअर ट्रायंगल बन रहा है ये वाला, इसमें सारे जीरोस हैं, ठीक है जी। ये हो गया आपका अपर ट्रायंगल। इसी को अगर उलट दिया जाए, इसी को हम उलट देंगे, जैसे हमने कहा फाइव सिक्स थ्री नाइन टू एट, यहां जीरो जीरो जीरो, ये नहीं आएगा जीरो, ये जीरो जीरो, ठीक है। अब आप देखिए डायगनल पे चलना है, ये डायगनल हो गया, इसको हम ट्रायंगल बना देते हैं। तो जो लोअर ट्रायंगल है उसमें वैल्यूज है, लेकिन जो अपर ट्रायंगल है ये वाला, इसमें वैल्यू जीरो है, तो इसको हम कहेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि नीचे वाले सारे नंबर्स हैं, बाकी ऊपर वाले जीरो। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक और स्क्यू मैट्रिसेस क्या होते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स से मतलब यह होता है, इससे पहले आपको समझना होगा ट्रांसपोज क्या होता है। ट्रांसपोज का मतलब यह होता है, अगर मैंने ए मैट्रिक्स लिया और ए ट्रांसपोज किया, तो रो को हमने कॉलम में बदल दिया, बस। तो जब हम रो को कॉलम में बदलते हैं तो दो तरीके आ सकते, दो चीजें आ सकती हैं, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक्स। मतलब अगर हमने ए ट्रांसपोज किया और वो पिछले मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया उसी के बराबर आ गया, तो हम कहेंगे कि ये ए जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। लेकिन यहीं पर हमने अगर ट्रांसपोज किया और वो पिछले मैट्रिक्स से नेगेटिव मैट्रिक्स आ गया, यानी पिछले मैट्रिक्स का नेगेटिव ए आ गया, तो इसको हम कहेंगे स्क्यू मैट्रिक्स है, स्क्यू। जैसे अगर हम कोई भी मैट्रिक्स ले ले, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, यहां पर ए वाला एग्जांपल ले लेते हैं, और मैं रो को कॉलम में चेंज करूंगा, है ना। तो यहां पर आप देखिएगा कि रो को कॉलम में हम चेंज कर रहे हैं, मैट्रिक्स हम लिख रहे हैं 1 0 0 0 1 0, वैसे डायगनल मैट्रिक्स है 0 0 1। अब ये जो रो है ना, ये कॉलम में जाएगा, कैसे, ट्रांसपोज से समझ जाएंगे आप। यहां पे ये रो इस कॉलम में जाएगा तो 1 0 0, ये रो इस कॉलम में जाएगा तो 0 1 0, और ये जो रो है 0 1 0 0 1, इस कॉलम में जाएगा तो 0 0 1। आप देखें ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स बिल्कुल सेम है क्या, नहीं। तो ये ए ट्रांसपोज है और ये ए है, ये दोनों बराबर है। जब ए ट्रांसपोज ए के बराबर होता है तो इसको हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहीं पर हम एक मैट्रिक्स ले रहे हैं 0 4 -4 और 0, अब इसका ट्रांसपोज कर रहे हैं, ये जो रो है ये कॉलम बनेगा, 0 और -4 यहां लिखेंगे, यहां 0 यहां -4 यहां, रो कॉलम बन गया। ये जो रो है यहां ये कॉलम बनेगी, तो यहां 4 और 0। अब इसमें समानता ये है कि मैं अगर नेगेटिव बाहर ले लूं, बाकी सब अंदर वाले नेगेटिव हो जाएंगे, 0 ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा -4 और 0। अब ये जो चीज है ये ए है और ये भी ए है, हुआ क्या, ये जो ए ट्रांसपोज है, बेसिकली ए ट्रांसपोज ये आपके नेगेटिव ए के बराबर हो गया, है ना। इसका मतलब ये हो गया, ये दोनों जो है वो, ये मैट्रिक्स जो है वो स्क्यू मैट्रिक्स है, जिसका ट्रांसपोज करने से वही वैल्यू आ जाती है लेकिन नेगेटिव में आती है। इक्वल मैट्रिसेस, बराबर मैट्रिसेस क्या होते हैं, वो मैट्रिक्स जो एकदम सेम हो, यानी वो मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर सेम हो, डायमेंशन सेम हो और एलिमेंट भी सेम हो, राइट। जैसे ये मैट्रिक्स देखिए, इसमें 2 3 4 5 है और इसमें 2 3 4 5, यानी करस्पॉन्डिंग, ये इसको मैं लिखूं तो ये A11 है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये है ए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम। तो जो A11 है दोनों में, ये A11 इसका है, दोनों में A11 आपके 2 है। इसी तरीके से एक और ले लेते हैं, ये A22 ले लीजिए, A22 दोनों में 5 है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि दो मैट्रिक्स सेम है, जिसमें मैंने कहा ए बी सी डी, यहां लिख दिया मैंने आपका 2.8 3 9 और 5/6, ए कितना हुआ 2.8, सी कितना हुआ 3, बी कितना हुआ 9 और डी कितना हुआ 5/6। इसका मतलब होता है इक्वल मैट्रिक्स, बराबर मैट्रिक्स। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग मैट्रिसेस, मैट्रिसेस को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना, ये हम डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्ट हो जाता है, कैसे होगा इसको समझिए। देखिए, आपको केवल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ना और घटा देना, बट बस एक चीज ख्याल रखनी है, जब भी दो मैट्रिक्स को आप ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे,
कि इनके डिमेंशन सेम होने चाहिए। कहने का मतलब कि जब हम एडिशन करेंगे, जोड़ेंगे, जैसे आपने कहा 2 और 3 को जोड़िए, दो वैल्यूज को जोड़ा आपने, ऐसे 2.3 और 6.2 को जोड़ सकते हैं आप, सिंपल एडिशन है। ऐसे मैं आपसे कहूं 2-3 भी कर सकते हैं और 2.3-6.2 भी कर सकते हैं, है ना। तो यहां पर डायमेंशन मैट्रिक्स में सेम होने चाहिए। तो आपका एग्जांपल यहां पर देखिए, एग्जांपल जो है उसका ताल्लुक ऐसे है कि एक ये ए मैट्रिक्स है 2-2-2-2, ये बी मैट्रिक्स है 1-1-1-1, इसका एडिशन जो होगा, पहले तो ये है कि ये 2x2 मैट्रिक्स है और ये 2x2 मैट्रिक्स है, तभी इसका एडिशन हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। अगर ये 3x3 मैट्रिक्स है तो 2x2 के साथ एडिशन नहीं हो सकता, पहली चीज तो ये क्लियर होनी चाहिए। दूसरा, आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे, कहने का मतलब ये है कि अब आप यहां पर आएंगे, आप 2 और 2 को ऐड करेंगे, 2 और 1 को ऐड करेंगे और यहां लिख देंगे 3, 2 और 1 को ऐड करेंगे यहां लिख देंगे 3, 2 और 1 को ऐड करेंगे यहां लिख देंगे 3, 2 और 1 को ऐड करेंगे यहां लिख देंगे 3, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम जोड़ रहे हैं। जो मैट्रिक्स का एडिशन होता है वो कम्यूटेटिव है, यानी आप ए बी को जोड़े या बी ए को जोड़े, रिजल्ट सेम आएगा। आपके पास 3 मैट्रिक्स है ए बी सी और इनको आप ऐड कर रहे हैं, तो पहले आप इन दोनों को कर दीजिए और फिर सी के साथ ऐड करिए, या फिर बी और सी को ए के साथ ऐड कर दीजिए, इसको हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। यह भी मैट्रिक्स एडिशन फॉलो करता है। सब्ट्रैक्शन क्या होता है, बिल्कुल सेम काम करना है, बस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है। या ये समझ लीजिए कि ए प्लस बी को आप इस तरीके से समझ लीजिए, ये ए प्लस माइनस बी हो रहा है, ए प्लस नेगेटिव बी। हमेशा मैट्रिक्स जो सब्ट्रैक्शन है उसको हम ए माइनस बी से नहीं समझते हैं, हम उसको समझते हैं ए प्लस माइनस बी, यानी कि वो भी एडिशन की तरह ही समझते हैं। तो हमारे पास अब ये मैट्रिक्स आ गया। पहली चीज हम इसमें क्या, सबसे पहले क्या देखेंगे, ये 2x2 है, ये भी 2x2 है, तभी हम काम करेंगे। और अब हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है इसको तो हम ऐसे लिख देंगे, ये आपका ए हो गया, यहां नेगेटिव बी है, माइनस बी है, ये ए माइनस बी हम करना चाह रहे हैं, हमेशा हम इसको प्लस करेंगे और इसको नेगेटिव कर देंगे, यानी कि ये हो जाएगा आपका -1, -1, -1, -1। बी क्या था, 1, 1, 1, 1, ये नेगेटिव हो गया। अब इसको ऐड कर देंगे, मैंने कैसे बताया, 2-1 कितना हुआ 1, फिर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करेंगे 2-1 ये भी 1, फिर 2 और -1 आपका हो गया 1, 2 और -1 क्या हो गया आपका, ये आपका रिजल्ट आ गया। अब इसको देखिए, हम इसको ऐड करना चाहते हैं, तो ये कितने मैट्रिक्स, ये इसका ऑर्डर क्या है, इसमें 2 रोज है और 3 कॉलम है, इसमें भी 2 रोज है 3 कॉलम है, इसका मतलब हम मैट्रिक्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं क्योंकि इसके ऑर्डर सेम होने चाहिए, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। अब आपको करना क्या है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को बस जोड़ देना है। कैसे, ये 1 और 6 को जोड़िए 7 लिख दीजिए, 3 और -2 को जोड़िए कितना बनेगा 1, -7 और -9 को जोड़िए बनेगा 2, 4 और 2 को जोड़िए 6, 0 और 1 को जोड़िए 1, 5 और 0 को जोड़िए 5। एक और कर लेते हैं, यहां पर सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो सब्ट्रैक्शन के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर एक एलिमेंट क्यू है, इसको क्योंकि हम वेरिएबल पे नहीं कर रहे हैं तो इसको मैं 9 मान लेता हूं, ठीक है। वैसे तो ये एक सॉल्यूशन है, बकायदा क्यू दिखाने का मेन कार्यक्रम ये था कि आपको ये भी पता चले कि ये बकायदा आप यहां पर वेरिएबल के साथ जब कंप्यूटेशन करेंगे तो वेरिएबल्स होंगे आपके पास और फिर वो इक्वेट करेंगे। खैर, यहां आपको करना क्या है, आप ये रखिए, पहले तो आप पहले चेक करना पड़ेगा इनके ऑर्डर क्या है, ये कितना है 1, 2, 3, 3 रोज है, कॉलम कितने हैं 2, इसमें 1, 2, 3, 3 रोज है, कॉलम कितने हैं 1, 2, तो क्योंकि दोनों के ऑर्डर सेम है इसलिए हम कर सकते हैं इनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन। यहां पर लिखेंगे 3, -1, 0, यहां लिखेंगे 0, 2, 3। अब ये नेगेटिव है तो इसको प्लस कर दीजिए और अंदर सबको नेगेटिव कर दीजिए, तो ये हो जाएगा -9, ये 3, -1, -1, ये 4 और ये -1। मैंने क्या किया, इन सब के साइन नेगेटिव कर दिए, राइट। अब इसको ऐड कर दीजिए, 3 और -9 को ऐड करिए -6, 0 और 3 को ऐड करिए 3, -1 और -1 को ऐड करिए -2, 2 और -1 को ऐड करिए 1, 0, 4 को ऐड करिए 4, 3 और -1 को ऐड करिए तो आपका 2, क्लियर। ट्रांसपोजिशन या मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है, सिंपल भाषा में कहा जाए तो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है रो को कॉलम में बदलना, या फिर कहें कॉलम को रो में बदलना, इसी को ट्रांसपोज कहते हैं, यानी हम रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं। बहुत सिंपल मैट्रिक्स से शुरुआत करते हैं, यहां पर आपके पास एक मैट्रिक्स है, इसमें 3 आपके रोज हैं, 1 कॉलम है, तो एक ही कॉलम है तो इस कॉलम को रो में बदल दीजिए। ये कॉलम है, रो में कैसे बदलेंगे, इस 1 को यहां रखिए, इस 1 को यहां और इस 2 को यहां, ये आपका क्या हो गया,
बी ट्रांसपोज, ऐसे ऊपर टी लगाते हैं, तो बी ट्रांसपोज क्या बना, 112। हमने किया क्या है इसमें, कॉलम को रो में बदल दी। अब मान लीजिए आपके पास एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें एक रो है और तीन कॉलम है, बेसिकली ये रो मैट्रिक्स है, रो को कॉलम में बदल दीजिए। ये रो है, तीन को यहां लिखिए, इसको चार को यहां लिखिए, नौ को यहां लिखिए, क्या बन गया आपका, ये बन गया डी ट्रांसपोज। ठीक है जी, डी ट्रांसपोज कैसे बना, 349। थोड़ा सा एक नॉर्मल मैट्रिक्स ले लेते हैं, रो को कॉलम में यहां बदलने के बाद हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स है, तो ये 1, 2, 3 जो आप देख रहे हैं, 5, 4, 1, 6, 7, 4 ये रोज हैं जो बक्से में दिए हैं रोज। अब इसी को हमको कॉलम में बदलना है, तो 1, 2, 3 ये रो है, इसको करेंगे कॉलम में, ये 5, 4, 1 रो है, इसको करेंगे कॉलम में, 6, 7, 4 रो है तो उसको करेंगे कॉलम में। ये जो आपकी मैट्रिक्स बनी है इसको हम कहेंगे कि ये ए ट्रांसपोज है, यानी कि जो फाइनल मैट्रिक्स बनने वाली है ए ट्रांसपोज वो कुछ इस तरीके से बनेगी, इसको कहते हैं मैट्रिक्स ट्रांसपोज। इसमें दो चीज और बता देता हूं, अगर आपका अगर ट्रांसपोज एक्चुअल मैट्रिक्स के बराबर आता है तो इसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, अगर ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स का नेगेटिव आ जाता है तो इसको हम स्क्यू मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, अब जैसे हम दो नंबरों को मल्टीप्लाई करते हैं, जो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है वो दो टेबल्स का मल्टीप्लीकेशन है, क्योंकि मैट्रिक्स है क्या, मैट्रिक्स कुछ नहीं है बस टेबल है, टेबल के हर एक सेल में एक वैल्यू रखी है, इन टेबल के जितने रोज हैं उसको हम रोज कहते हैं, जितने कॉलम्स हैं उसको कॉलम कहते हैं, ये इसका डायमेंशन हो जाता है। तो डायमेंशन का बहुत बड़ा रोल है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में। तो पहले आप समझ लीजिए कि मैट्रिक्स के नंबर्स को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जो पहला टर्म आता है इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ए आई जे, आई बताता है कौन सा रो है और किस कॉलम में वो जे बताता है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आती है वो ये आती है कि ये आपका मैट्रिक्स है कितने बाय कितने का मैट्रिक्स है, और ये कितने बाय कितने का मैट्रिक्स है। जब भी मैट्रिक्स आप कहेंगे, मान लीजिए ये आपका एम बाय एन मैट्रिक्स है ये वाला, और ये आपका मैट्रिक्स के बाय एल है, ठीक है जी, ये तभी मल्टीप्लीकेशन हो सकता है जब एन और के बराबर हो, ध्यान रहेगा, मतलब इसका पहली मैट्रिक्स का जो कॉलम है वो दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए, तभी काम बनेगा, तभी आपका रिजल्ट आएगा। और रिजल्ट जो आएगा, ये जो मैट्रिक्स बनेगा इसका जो फाइनल डायमेंशन आना है वो ये दोनों होंगे m इंटू एन। अब मैं इसका एक्चुअल बता देता हूं आपको, इसमें 1, 2, 3, 4 चार रोज है, कॉलम्स कितने हैं 1, 2, 3, इसमें कितने रोज है 1, 2, 3, कॉलम्स कितने हैं 1, 2, 2 कॉलम्स, तो इनका मल्टीप्लीकेशन हो सकता है क्योंकि ये तीन और ये तीन बराबर है, ये होना चाहिए। और जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट जो होगा वो 4/2 मैट्रिक्स होगा, देखिए कितना है 1, 2, 3, 4 चार रोज है और दो कॉलम है, क्लियर हो गया, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन ऐसे होता है। इसको अगर मैं आपको विजुलाइज कराना चाहूं, वैसे हम नंबर से भी करेंगे, तो करते क्या है इसमें, A11 को पहले ये पूरी रो लेंगे और इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, एक एक टर्म को और ऐड करेंगे, कहने का मतलब A11 को B11 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया, A12 को B21 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया, A13 को B31 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया, और तीनों को जोड़ देंगे। ये पहला टर्म आएगा, ये जो आया है ये फर्स्ट टर्म आया है आपका, मतलब ये वाला टर्म आया, उसके बाद इसी रो को अब कॉलम को बढ़ाएंगे, इसी रो को इस कॉलम के साथ करेंगे, कहने का मतलब A11 को B12 से, A12 को B22 से, A13 को B32 से, तीनों हो गया, इनके बाद जोड़ देंगे, जो इसका फाइनल एडिशन आएगा वो ये वाला टर्म होगा। उसके बाद हम जाएंगे सेकेंड रो पे, और इस रो को पहले इस कॉलम से, फिर इस कॉलम से, फिर इस रो को इस कॉलम से, इस कॉलम से, फिर इस रो को इस कॉलम से, इस कॉलम से, ऐसे मल्टीप्लीकेशन करना है। अब इस दो मैट्रिक्स को देखिए, इसमें कितने रो कितने कॉलम है, इसमें है 1, 2, 3 रोज है और एक कॉलम है, इसमें कितने रो कॉलम है 1, 2 रोज है और 3 कॉलम है, तो क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, नहीं है, क्योंकि इसका जो कॉलम है इसके रोज के साथ मैच नहीं करता, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ध्यान रहेगा। यहां पर हमारे पास एक्चुअल एग्जांपल है, इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हमको चेक करना होगा इसके रो और कॉलम मैच, मतलब रो और कॉलम के मैचिंग को हमको क्लियर करना पड़ेगा। हमारे पास कितने इसमें रोज है, 3 रोज है, कॉलम कितने हैं 1, 2, 3, 4, इसमें कितने रोज है कितने कॉलम है 4 रोज है और 2 कॉलम है,
तो इसका जो कॉलम है इसके रो से मैच करता है, इसका मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। रिजल्ट जो आएगा वो हमेशा इस ये आएगा, ये 3x2 मैट्रिक्स बनेगा, इसका रो और इसका कॉलम इतना बनेगा। कैसे होगा? सबसे पहले हम ये रो लेंगे और ये कॉलम लेंगे। कैसे करना है? 1 को 5 से मल्टीप्लाई करिए, यहां लिखिए। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करिए, यहां लिखिए। 3 को 0 से मल्टीप्लाई करिए, यहां लिखिए। -2 को 8 से मल्टीप्लाई करिए, यहां लिखिए। और फिर ये कंप्यूट करके -11 ये पहला मेंबर होगा यहां का। ठीक है जी, अगला देखिए। अब ये रो आप रखेंगे क्योंकि सारे कॉलम करने पड़ेंगे इस रो के साथ। अब ये कॉलम चेंज हो गया, इसमें क्या करेंगे? अब मैं इसको करके दिखाता हूं आपको। 1 और ये 1, 1 × 1 करेंगे, 0 × 7, 0 × 7 करेंगे, फिर 3 × 3 करेंगे, फिर -2 × 3 करेंगे और इन सबको जोड़ देंगे। तो अब रिजल्ट क्या आएगा? वो यहां रखा जाएगा। रिजल्ट आएगा आपका ये 16 है, यहां रखेंगे। अब आप सेकंड कॉलम पे चले जाएंगे, सेकंड कॉलम को इसी तरीके से फर्स्ट रो, फर्स्ट जो सेकंड रो है, सेकंड रो पे चले जाएंगे और सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम के साथ करेंगे। यानी 2 × 5 प्लस 8 × 1 प्लस 4 × 0 प्लस 3 × 8, ये कहां लिखेंगे आप? यहां पर। फिर अगला क्या होगा? अगला 2 × 1, 8 × 7, 4 × 3, 3 × -3, वो 61 यहां लिखेंगे। अब आप जाएंगे इस रो पे और इस कॉलम के साथ, यानी कि 7 × 5, -1 × 1, 0 × 0, 2 × 8, इन सबको जोड़ देंगे, 50 आ जाएगा। नेक्स्ट वाले में 7 × 1, -1 × 7, 0 × 3, 2 × -3, इनको मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, वो -6 आ जाएगा। क्लियर? इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इनवर्स क्या होता है? अगर मैं किसी भी ए एलिमेंट को बी के साथ मल्टीप्लाई करूं और मेरे पास ई आ जाए जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो मैं कहूंगा बी ए का इनवर्स है, बी ए का इनवर्स है। तो किसी भी मैट्रिक्स जिसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसका जो इनवर्स होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, -1 इसका पावर होगा। और जब ये रिजल्ट आएगा तो ये आइडेंटिटी क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ए का इनवर्स, जब हम ए के इनवर्स से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए, इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैट्रिक्स ए जो कि नॉन सिंगुलर है, सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ये होता है जिसका डिटरमिनेंट जीरो हो। तो ध्यान रखिएगा कि मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होना चाहिए, इसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं होना चाहिए। या ये कहें मैट्रिक्स ए इन्वर्टिबल तभी है जब किसी भी मैट्रिक्स के साथ ऐसे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें, ऐसे मैट्रिक्स को करें, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी देता है। अगर आप देखें 1 × 2, मैं इसको करके दिखा देता हूं, ये हुआ कैसे? 1 × 2/3 प्लस 1 × 1/3 यहां आ गया, फिर 1 × -1/3 और 1 × 1/3 दोनों को जोड़ दीजिए, फिर -1 × 2/3 प्लस 2 × 1/3 ये हो गया, फिर -1 × -1/3 प्लस 2 × 1/3 ये हो। इनको जब कंप्यूट करेंगे तो 1001, और ये जो मैट्रिक्स है ये कुछ नहीं है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2x2। क्लियर? इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे कि ये इस, मान लीजिए ए है तो ये ए इनवर्स है, ये इसका इनवर्स मैट्रिक्स है। तो नोटेशन क्या है? ए इनवर्स लिखना आपको, -1 की पावर डाल देनी है। जो इनवर्स मैट्रिक्स है यूनिक होता है, क्योंकि एक ही ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसके साथ आप जब इसका ऑपरेशन करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, और कोई मैट्रिक्स यूनिक नहीं हो सकता। अगर आप एक ए मैट्रिक्स का इनवर्स लेके उसका भी इनवर्स कर दें तो आपको ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है और आप उसके ट्रांसपोज का इनवर्स निकालेंगे तो वही की बात होगी कि आप ए इनवर्स का ट्रांसपोज निकालें। ट्रांसपोज क्या होता है? रो और कॉलम में तब्दील करना, रो को कॉलम, कॉलम को रो। तो ये बात हुई आपके मैट्रिक्स एलजेब्रा की। बहुत शुक्रिया।